Namo Namaha. Myself, Dr. Vaishnavi Putnis. I have completed my graduation and currently pursuing my master's in Ayurveda. So with no further ado, I will start with my presentation. So aaj ka mera jo topic hai, wo itna famous hai ki bachcha janta hai ki maa ka doodh kya hota hai. Ek famous poet hai, Graham Evans karke, unhone breast milk ko liquid gold ya fir liquid love se compare kiya hai. वैसे ही हमारे फिल्मों में आपने अमिताभ बच्चन के लावारिस मूवी का एक फेमस डायलॉग सुना होगा कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। तो इतना जो माँ के दूध के ऊपर एम्फेसिस होता है वो हमारे शास्त्रों की परिभाषा में उसको कैसे डिफाइन किया है वो हम आगे देखेंगे। तो मॉडर्न साइंस कहता है, ब्रेस्ट मिल्क इज मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मैमरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ब्रेस्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। ऐसा शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन मॉडर्न साइंस ने दिया है, बट यहाँ पे भी आयुर्वेद ने अपनी व्याप्ति बढ़ाई है। वो क्या कहता है, रस प्रसादो मधुर पक्व आहार निमित्त कृत्स्न देहात स्तनो प्राप्त स्तन्यमित्यपि दीयते। मतलब स्त्री जो आहार लेती है उसका जो परिणाम रस धातु में होता है वो रस धातु जब पूरे शरीर में फैलता है और स्तनों में प्राप्त होता है तो वहां ब्रेस्ट में उस रस धातु के प्रसाद भाग से मतलब एसेंस से ब्रेस्ट मिल्क बनता है और वो ब्रेस्ट में स्टोर होता है। तो ये जो स्तन्य है इसका इम्पोर्टेंस क्या बताया गया है, तो आयुर्वेद ने स्तन्य को पीयूष यानी कि अमृत की उपमा दी है। तो ये अमृत तुल्य जो स्तन्य है वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, तो जीवनम मतलब आयु को बढ़ाता है, ब्रूहणम मतलब शरीर का पोषण करता है, नरिशमेंट करता है, सात्म्य मतलब हमारे लिए सात्म्य रहता है, होलसम रहता है, स्नेहनम मतलब शारीरिक और मानसिक स्नेह बढ़ाता है। ऐसे ही ये जो स्तन्य है उसकी उत्पत्ति मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे बताया गया है, तो गर्भिणी जो आहार लेती है उसका परिणाम रस धातु में होता है और वो रस धातु का उस गर्भिणी में तीन प्रकार से इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। जो पहला रहता है वो है स्व शरीर पुष्टेय मतलब गर्भिणी का खुद का पोषण, दूसरा जो है वो गर्भ का पोषण और तीसरा जो है वो है स्तन्याय मतलब स्तन्य का पोषण या फिर स्तन्य की निर्मिति। तो इस आइडियल इस ब्रेस्ट मिल्क के कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आइडियल क्वालिटी कैसी होती है वो बताइए शास्त्रों में। तो आयुर्वेद कहता है, यक क्षीरम उदेकम क्षिप्तम एक ही भवती पांडुरम। मतलब जब वो ब्रेस्ट मिल्क आप एक ग्लास मतलब पानी के ग्लास में डालते हो तो इट शुड मिक्स एट वंस परफेक्टली विथ वाटर मतलब वो अच्छे से घुल मिल जाना चाहिए, उसमें उसका अवशेष नहीं दिखना चाहिए। ऐसा जो आइडियल ब्रेस्ट मिल्क रहता है उसका टेस्ट मधुर मतलब स्वीट बताया है, आफ्टर टेस्ट एस्ट्रिंजेंट बताया है और उसका जो वीर्य मतलब पोटेंसी रहती है वो कोल्ड बताई है। ऐसा जो आइडियल ब्रेस्ट मिल्क रहता है वो पुष्टिकरम है, आरोग्य करम है, शरीर उपचय करता है और बल वृद्धि करता है मतलब नरिशमेंट करता है, हेल्थ मेंटेन करता है और स्ट्रेंथन करता है। इसी हिसाब से मॉडर्न साइंस ने जब कंपोजिशन बताया तो 5 मेन कंपोनेंट्स बताया ब्रेस्ट मिल्क के। पहला जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोटीन्स फैट्स एंड शुगर। दूसरा जो है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड विटामिंस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट और मेन है वो है हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। चौथा है वो माइक्रोबियल कम्युनिटीज और पांचवा जो है वो है माइक्रोआरएनए। तो अभी ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो हमारे शरीर में कब कैसे बनता है और कैसे बाहर निकलता है वो हम देखेंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि जब वो स्त्री डिलीवर करती है तो डिलीवरी के तीसरे और चौथे दिन के बाद वो स्त्री उस स्त्री में स्तन्य का प्रवर्तन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले और दूसरे दिन पे वो लैक्टेट नहीं करती। तो अभी भी हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियों को पहले दूसरे दिन ज्यादा दूध नहीं आता या फिर कम अमाउंट में दूध आता है, इस वजह से फिर बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आयुर्वेद ने कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो ब्रेस्ट फीड के साथ देने चाहिए। तो पहले दिन आयुर्वेद ने बताया कि शहद घी और अनंता इसका कॉम्बिनेशन जो है ब्रेस्ट फीड के साथ दें। दूसरे और तीसरे दिन घी और लक्ष्मणा का कॉम्बिनेशन ब्रेस्ट फीड के साथ दें। चौथे दिन सिर्फ शहद और घी का कॉम्बिनेशन बताया है। उसके बाद जब वो अच्छे से उसको दूध आना चालू हो जाएगा तब आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत कर सकते हो। तो अब आप इस इमेज में देख सकते हो कि पहले दिन से लेके फिर आगे आगे धीरे वो ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन कलर और टेक्सचर कैसे चेंज होता है। तो पहले तीन या फिर चार दिन तक जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो थिक रहता है, येलोइश कलर का रहता है, उसी को मॉडर्न साइंस ने कोलोस्ट्रम कहा है जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज का अमाउंट ज्यादा रहता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है बेबी के लिए। उसके बाद में जो बीच के दो बॉटल्स है वो ट्रांजिशनल मिल्क है, उसका कलर आप देख सकते हो वो फेड हो रहा है व्हाइटिश की तरफ, और उसके बाद जो है वो मैच्योर मिल्क आना शुरुआत हो जाता है जो कम्प्लीटली व्हाइट कलर का होता है।
तो अब ये स्तन्य बन चुका है, तो ये अच्छे से बाहर आने के लिए भी कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो वो आयुर्वेद ने स्तन्य प्रवृत्ति हेतु के नाम पे बताए हैं। तो वो पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? अपत्य संस्पर्शात, मतलब बेबी के सिर्फ छूने से या फिर बेबी को छूने से, अपत्य दर्शनात, बेबी के सिर्फ दर्शन होने से, अपत्य स्मरणात, बेबी के सिर्फ ख्याल आने से, अपत्य ग्रहणात, बेबी को होल्ड करने से, और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अपत्य स्नेह या फिर वात्सल्य, मतलब अफेक्शन, प्रेम भाव टुवर्ड्स योर चाइल्ड। ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो जो ब्रेस्ट मिल्क जो बना है वो ओज आउट होने के लिए। वैसे ही मॉडर्न साइंस ने इजेक्शन रिफ्लेक्स बताया है इसके लिए। तो ये सब जो कारण है वो, और जब बेबी निपल के ऊपर सक करता है तब दो तरह के फीडबैक हाइपोथैलेमस के ऊपर जाते हैं। पहला जो है वो है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रहता है उसका मैसेज भेजता है कि अभी तू ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर। तो ये ऑक्सीटोसिन जाता है वो ब्रेस्ट ग्लैंड के ऊपर, वहां के जो डक्ट्स रहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है और ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बाहर निकलता है। दूसरा जो है वो है नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क अब यूज हो रहा है बराबर, मतलब वहां पे अभी न्यू मिल्क फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि तू अभी प्रोलैक्टिन सेक्रीट कर। तो ये प्रोलैक्टिन वहां पे जाके लैक्टोजेनेसिस साइड बाय साइड शुरू कर देता है। तो अभी ये लैक्टोजेनेसिस या फिर लैक्टेशन अच्छे से होने के लिए भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला जो फैक्टर है वो है अटैचमेंट, विच इज की टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ये अटैचमेंट दो लेवल्स पे होती है, इमोशनल और फिजिकल। पहला जो इमोशनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज अफेक्शन टुवर्ड्स द चाइल्ड। दूसरा है फिजिकल, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बेबी का माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ एरियोला का जो पार्ट है वो बेबी के माउथ में जाने चाहिए। इससे क्या होता है जब बेबी सक करने लगता है ना, तो जो एरियोला में जो डक्ट्स रहते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद होता है और वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अच्छे से बाहर निकलता है। दूसरा जो है वो है पोजीशन। आइडियल पोजीशन कौन सी है? तो है वो सिर्फ एक ही है मेरे हिसाब से, क्रेडल होल्ड पोजीशन। इसमें वो माता सीधा बैठ के बेबी को हाथ में पकड़ के, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो वैसे ब्रेस्ट फीड कर सकती है। उसमें क्या होता है कि बेबी की एंटायर बॉडी सपोर्टेड रहती है, बेबी का हेड नेक और बैक जो रहता है वो एक ही प्लेन में आता है, और जो रिफ्लक्स या फिर दूध लेने के बाद एक तो वो दूध रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना अवॉइड होता है क्योंकि उसका एपिग्लॉस एपिग्लॉटिस जो भाग रहता है वो अभी तक उतना भी मेच्योर नहीं हुआ रहता, वो अवॉइड होता है। फिर तीसरा जो आता है वो है ड्यूरेशन। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड और सॉलिड फूड उसके डाइट यूज करना चाहिए। वही स्टार्ट करने के लिए हमारे ग्रंथों में अन्नप्राशन संस्कार 6 मंथ में करने हम बोलते हैं। तब अभी आयुर्वेद ने बाल्यावस्था को 3 अवस्था में डिवाइड किया है, क्षीरम, क्षीरन्नाद और अन्नाद। तो क्षीरम जो अवस्था होती है उसमें ब्रेस्ट मिल्क ही उस बेबी का मेन डाइट होता है 1 साल तक। फिर क्षीरन्नाद अवस्था आती है जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क और बाहर का डाइट दोनों भी उसका मेन डाइट होता है 1 साल से लेके 2 साल तक। फिर आती है उसकी अन्नाद अवस्था जहाँ पे वो अपना अपनी माँ का दूध पीना छोड़ देता है और सिर्फ बाहर के डाइट के ऊपर निर्भर रहता है। इसके बाद में कुछ डिफिकल्टीज भी आती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो वो चैलेंजेस क्या रहते हैं? तो पहला है एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज, मतलब ब्रेस्ट का साइज ही बड़ा है, निप्पल का साइज बड़ा है या फिर छोटा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सक नहीं कर पाएगा। इसके लिए अभी आर्टिफिशियल निप्पल्स भी अवेलेबल है जो आप लगा के ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। दूसरा है पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज, जो आयुर्वेद ने स्तन्य दृष्टि के नाम से बताया है। और तीसरा है फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, दैट इज लैक्टेशन फेलियर, मतलब स्तन्य क्षय और स्तन्य नाश। तो ये स्तन्य दृष्टि जो रहती है वो क्यों होती है? अगर वो सूतिका ने अपनी सूतिका परिचर्या नहीं फॉलो की, अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लिया, मतलब वो बाहर का ही खा रही है, कुछ रीजन से उसको घर का पोषक अन्न नहीं मिल रहा है, उसको बहुत तीखा ही खाना पसंद है, मीठा ही खा रही है, नमकीन खा रही है ज्यादा, या फिर बहुत ही फिजिकल स्ट्रेस है या फिर मेंटल स्ट्रेस है, तो इससे क्या होता है शरीर में जो हमारे 3 दोष बताए गए हैं ना वो प्रकोपित होते हैं। रोज प्रकोपित होते हैं तो इनडायरेक्टली रसो धातु भी अफेक्ट होता है उस वजह से, और रसो धातु की वजह से स्तन्य की दृष्टि होती है। तो वात पित्त कफ इन दृष्टि के हिसाब से स्तन्य का कलर भी डिफरेंट रहता है, उसका टेस्ट भी अलग रहता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग रहते हैं। और वो दूषित स्तन्य पीने के बाद जो व्याधि बच्चों में होती है वो भी दोषों के हिसाब से अलग अलग रहती है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो अभी ये स्तन्य दृष्टि दूर करने के लिए आयुर्वेद ने गैलेक्टो प्यूरिफायर्स बताए हैं, मतलब स्तन्य शोधक द्रव्य। और ये जो द्रव्य रहते हैं ना वो प्रायः तिक्त रसात्मक होते हैं, मतलब बिटर टेस्ट के होते हैं, क्योंकि तिक्त रस ये बेस्ट गैलेक्टो प्यूरिफायर बताया गया है। फिर आता है स्तन्य क्षय और स्तन्य नाश। अगर मतलब इसमें 2 फैक्टर्स रहते हैं, डायटरी फैक्टर्स भी रहते हैं और
इमोशनल फैक्टर्स भी रहते हैं डाइटरी में। अगर वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रही हो, और दूसरा वो बहुत चिड़चिड़ी कर रही है, या फिर बहुत नेगेटिव हो गई है, डिप्रेस्ड हो गई है, बच्चे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, अफेक्शन ही इतना ज्यादा नहीं है, तो इससे क्या होता है कि शरीर में जो हॉर्मोन, जो हैप्पी हॉर्मोन्स रहने चाहिए बैलेंस लेवल में नहीं रहते, वो कम अमाउंट में रहते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन अच्छे से नहीं सेक्रीट होता है, इसकी वजह से लैक्टोजेनेसिस अच्छे से नहीं होती है। तो इसलिए आयुर्वेद ने दो उपाय बताए हैं। पहले तो इमोशनल लेवल पे सौम्यता से रहने के लिए बताया है, मतलब इमोशनल बैलेंस स्टेट, या फिर बच्चे की तरफ का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो कायम रखना चाहिए। और दूसरा जो बताया है वो लैक्टेशन स्टिम्यूलेंट्स बताया है। उसमें पहला पहला जो है वो एक क्षीर पाना, मतलब फीडिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज लैक्टेशन, मतलब अगर फीडिंग वो करेगी तो ही लैक्टोजेनेसिस होने वाली है, बराबर। फिर आहार, आहार में भी जो प्रायः प्रीडोमिनेंटली स्वीट, सावर और सॉल्टी टेस्ट रहेगा, मतलब मधुर रसात्मक रहेगा, वो आहार में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि मधुर रस ये स्तन्य वर्धन, स्तन्यकृत कहा गया है। फिर सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब समान गुण धर्म वाले द्रव्य से हमारे शरीर में जो धातु है उसकी वृद्धि करना, ऐसे बताया गया है। तो हमारे शरीर में अगर दूध की उत्पत्ति बढ़ानी है तो उसको आहार में मिल्क का इनकॉर्पोरेशन बढ़ाना होगा, इसलिए वो काऊ का मिल्क ले सकती है, जो आयुर्वेद ने स्तन्यकर बताया है। अजाक्षीर मतलब गोट का मिल्क, बकरी का दूध ले सकती है, जिसको आयुर्वेद ने स्तन्य शाकनीय, मतलब स्तन्य के गुण समान बताया है। इसके अलावा उसका विहार, मतलब उसका कंडक्ट, मतलब ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, शी शुड बी मेंटली सैटिस्फाइड हैप्पी। उसके अलावा औषध, मतलब शतावरी कल्प, ये मेडिसिन आप इंक्लूड कर सकते हो। ये अभी आप सबको बता ही रहेगा, ये हम अपने प्रेगनेंसी के वक्त भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल सप्त धातु, ओवरऑल पूरी बॉडी का नरिशमेंट करता है और लैक्टेशन के लिए, लैक्टोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, कि ब्रेस्ट का हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, बेबी शुड बी फेड ऑन डिमांड एंड नॉट बाय क्लॉक, मतलब जो 2 आवरली ब्रेस्ट फीडिंग का रूल है वो सारे बच्चों को लागू नहीं पड़ता, क्योंकि सारे बच्चों का डाइजेस्टिव कैपेसिटी, डाइजेस्टिव पावर अलग अलग रहता है। मतलब कुछ बच्चे का दूध 1 ही घंटे में पचेगा, कुछ बच्चे का 3 घंटे में पचेगा, इसलिए जब बेबी डिमांड करेगा तब उसको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसको डायरेक्टली सुलाना नहीं है, उसको आधे घंटे तक या फिर उसको डकार आने तक आपको कंधे पे लेके उसको रखना है। ओके, फिर लास्ट का जो आता है वो है एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, देर इज नो एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू बी टू अ ब्रेस्ट फीड, मतलब दूध को है ना सर्वसमावेशक आहार बताया गया है। तो जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब तक आपको बाहर का खाना या फिर पानी उसको नहीं दिया तो भी चलता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स उस बच्चे के लिए क्या कह रहते हैं, तो फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, एज वेल एज इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सबके लिए ब्रेस्ट फीडिंग मदद करता है। रोबोक्सा हेक्सागोनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, ये दो मेन जो ग्रोथ फैक्टर्स है जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क में नेचुरली अबंडेंट अमाउंट में रहते हैं। फिर इस ब्रेस्ट फीडिंग के मदर के लिए भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, तो वो कौन से हैं कि जब तक वो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट है उसके शरीर में वो बैलेंस रहता है, और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस को अपना ओरिजिनल साइज रीगेन करने में मदद करता है। दूसरा जो है वो है डिक्रीज इन पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन, मतलब उसके शरीर में उसने जो वेट इतना गेन किया रहता है प्रेगनेंसी में, वो खुद का जो न्यूट्रिशन वो बेबी को स्तन्य के मार्फत से दे रही है, उसकी वजह से उसका वेट भी कम होने लग जाता है। फिर लैक्टेशन अमेनोरिया, लैक्टेशन अमेनोरिया मतलब क्या, कि आपने देखा होगा कि जब तक माता बेस्ट ब्रेस्ट फीड करती है तब तक उसको पीरियड्स नहीं आते, और जब उसको पीरियड्स आना शुरुआत हो जाती है तब उसका लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का अमाउंट कम कम होने लगता है। तो आयुर्वेद ने रस धातु के 2 धातु बताए, एक तो स्तन्य और दूसरा है रज, रज मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जब तक वो रस धातु का पोषक भाग रज की तरफ जाना मतलब नहीं जाता, वो जो पोषक भाग रज के लिए रहता है वो जाता है स्तन्य की तरफ, तब तक वो जो मदर है वो ब्रेस्ट फीड या लैक्टेट कर सकती है। फिर रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। अब यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस भी रहता है और वो जो ऑर्गन है उसका यूज भी होता रहता है, इसलिए कैंसर का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, बट ऐसे भी कुछ अवस्था है जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वो कौन से है। अगर वो माता जो है वो खुद ही बीमार हो, या फिर वो अच्छे से लैक्टेट नहीं कर पा रही, उसको दूध कम आ रहा है,
या फिर वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली स्टेबल ही नहीं है बच्चे को दूध देने के लिए, या फिर उसको कोई एक्टिव इन्फेक्शन है जो ब्रेस्ट मिल्क में से बेबी को इजीली पास आउट हो सकता है, तब ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसा बताया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमारे पूरे मतलब हमारे पहले के जमाने में आयुर्वेद में धात्री करके एक टर्म आया है, जिसको बाकी की सिविलाइजेशन मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी वेट नर्स करके उल्लेख आया है। तो हु इज अ वेट नर्स? अ वेट नर्स इज अ वुमन हु ब्रेस्टफीड्स एंड केयर्स फॉर अनदर चाइल्ड। मतलब कौन से भी रीजन से अगर वो माता अपनी बेबी को दूध नहीं पिला सकती, तब ये धात्री जो रहती थी वो खुद का दूध वो बच्चे को देती थी। बट अभी की 21st सेंचुरी में ऐसे धात्री मिलना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है। इसलिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो धात्री की जगह पे हम लोग ने ब्रेस्ट मिल्क बैंक इन्वेंट किया, जहाँ पे आप ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो ऐसे बच्चों के लिए। फिर अभी के रश लाइफ में माता पिता दोनों भी फुल टाइम या फिर हाफ टाइम वर्किंग रहती है, तो 24/7 वो बेबी के पास नहीं रह सकती वो मदर। इसलिए हमने ब्रेस्ट पंप इन्वेंट किए, ब्रेस्ट बॉटल्स इन्वेंट किए, निपल्स इन्वेंट किए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि वो डैड अपने बच्चे को वो प्रॉप यूज करके ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। मतलब मम्मा नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं उसको आइडियल पोजिशन देके और आइडियल ब्रेस्ट फीडिंग की फीलिंग देके मैं उसको दूध पिलाऊंगा। तो आप इससे पॉजिटिव मैसेज क्या लेके जा सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है हर बार की मदर और चाइल्ड का ही बॉन्ड अफेक्शन बढ़ना चाहिए, इससे आप फादर और बेबी का भी बॉन्ड इससे अच्छे से बन सकता है। तो ये प्रॉप भी आप यूज कर सकते हो। फिर आता है योग फॉर हेल्दी लैक्टेशन। तो यहाँ पे जो मैंने आसन लिए हैं गोमुख आसन से लेके बालासन तक, ये जो आसन है वो मेनली चेस्ट ओपनर्स है। चेस्ट ओपनर्स मतलब अनाहत चक्र के ऊपर वो काम करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं अनाहत चक्र को। इससे क्या होता है कि मदर का इमोशनल स्टेट बैलेंस रहता है और मदर और चाइल्ड का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अफेक्शन स्ट्रांग होता है। इसके अलावा वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हुआ तो वहां न्यूट्रिशन भी अच्छे से पहुंचेगा और वैसे ही लैक्टोजेनेसिस अच्छे से होगा। फिर उसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम और इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उससे क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट होता है और प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट है वो बैलेंस रहता है, जो लैक्टोजेनेसिस में हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग कैन लुक सो मेनी डिफरेंट वेज। मतलब मेरे लिए जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग का वे है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही नॉर्मल हो। मतलब सबकी नॉर्मल की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो अगर आपने आपका नॉर्मल का फ्रेम पहचान लिया हो तो यू आर अमेजिंग नो मैटर व्हाट योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी लुक्स लाइक। सो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन दैट यू लिसन टू मी पेशेंटली, ग्रेटफुल टू डॉक्टर नूतन मैम एंड AYG एकेडमी फॉर अलाउिंग मी टू प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ माई लाइफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। रियली ग्रेटफुल, थैंक यू।